अस्सलाम वालेकुम, मियाँ शफकत महबूब आपसे मुखातिब है। अहबाब, ये आपको मैं सिट्रस की बडिंग और ग्राफ्टिंग के तीन जो आसान से मेथड हैं वो करके दिखाता हूँ, ताकि जो लोग घर में छोटी थोड़ी बहुत ग्राफ्टिंग और बडिंग करना चाहें वो खुद से ही कर लें। इस तरह की आपने स्टिक लेनी है, ये जिस जगह पे लीव था उस जगह पे ये बड आपको नज़र आ रही होगी, तो ये आपने उतार ली है, इसको बडिंग कहते हैं। ये इसमें जो वुड थी आपने निकाल ली, अब ये सिर्फ छिलका रह गया और ये वुड आपने निकाल ली। ये आपकी एक रूट स्टॉक है, ज़मीन से तकरीबन 8 इंच ऊपर, 8 से 10 इंच ऊपर आपने इसको लगाना है। लगाने के लिए सबसे पहले आप छोटे रुख पे कट देंगे और फिर इसकी टी बना लेंगे, फिर किनारे उठा के इसको इसके अंदर डाल देंगे। ये इसके अंदर चली गई, छिलका इसके ऊपर आ गया। अब आपके पास इस तरह का पॉलीथीन होना चाहिए, ये पट्टी है पॉलीथीन की, इस पट्टी को आपने इसके ऊपर लपेट के इस सारे को कवर कर देना है। ये टी बडिंग का मेथड है। अब एक और मेथड है जिसको हम चिप ग्राफ्टिंग कहते हैं। चिप में ये बड आप देख लें, इसको इस तरह आपने उतार लिया, ये चिप उतर गई आपकी। अब इसी तरह का आपने इस रूट स्टॉक से चिप की जगह निकाल लेनी है और इसको इसके अंदर लगा दिया, फिट हो गई। अब इसके ऊपर सेम उसी तरीका से आपने सारी बड के ऊपर पॉलीथीन जो है वो थोड़ा खींच के टाइट करके बांध दिया। ये दोनों मेथड जो है इसको बडिंग कहा जाता है, चिप बडिंग और टी बडिंग। अब तीसरा मेथड जो है जिसको हम फाना लगाना या स्टिक लगाना कहते हैं, ये आप देख लें, इस पे 1 2 3 4 5 बडे हैं जहाँ से हमने कट कर लिया और नीचे से इसकी कलम बना ली, ये कलम बन गई है। अब सेम टी बनाई और इसको इसके अंदर डाल के थोड़ा नीचे को दबाया, दबाने के बाद इस पे आपने पॉलीथीन बांधनी है, पहले नीचे वाले हिस्से पे जिस जगह पे वो टी वाली जगह है, यहाँ तक आपने इसको पॉलीथीन बांध के गिरा लगा दी। अब इसका ऊपर वाला हिस्सा रह गया, इस तरह का एक चौड़ा पॉलीथीन हो आपके पास, और इसको ऊपर वाला सिरा जो है उसको धागे से गिरा दे दें। अब ये तीन अलग अलग मेथड हैं, ये पहले हुई हुई है, ये सारी लाइन जो है आगे हमने ग्राफ्टिंग की हुई है इसकी। ये डिफरेंट मेथड होते हैं ग्राफ्टिंग में, जो आपको आसान लगे, जो आपको इजी हो आप उसको अप्लाई करें। सिट्रस की जो ग्राफ्टिंग है वो 15 सितंबर से नवंबर तक चलती है, ये अच्छा सीज़न होता है, और इस सीज़न में आप इसको बडिंग करें, ग्राफ्टिंग करें, चिप लगाएं, जो भी आप जिस तरह भी करना चाहें। आप अपने घर में एक पौधे की चिप उतार के दूसरे पे लगा लें, दूसरे की तीसरे पे लगा लें, और एक एक पौधे पे दो दो चार चार दस दस वैरायटियां जो हैं वो लगा के एक ही पौधे से कई किस्म का फ्रूट ले सकते हैं। ये इजी है, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो होनी ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा जो टी है इसमें कांटा होता है और वो फिर चिप जो टी है वो ज़ाया हो जाती है, बट जिसमें कांटा हो
चिप में भी अगर लेयर सही तरह से नहीं बैठती तो वो भी ड्राई हो जाती है। और स्टिक जो है ये इजी तो है लगाने में, लेकिन स्टिक में क्वालिटी एक जैसी नहीं होती। जिस तरह की स्टिक मच्योर होगी तो उसकी क्वालिटी और होगी, अनमच्योर होगी उसकी क्वालिटी और होगी। तो क्वालिटी के लिए फिर एक जैसी स्टिकें या एक जैसी बर्ड्स का इंतखाब करना पड़ता है। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। अल्लाह हाफिज़।